बक्सर जहां हम 8 साल रहे हैं, लेकिन इन 8 सालों में कभी भी हम अपने बेस्ट फ्रेंड के घर नहीं गए। तो आज हम बनारस से बक्सर गए हैं अपने दोस्त से खास मिलने के लिए। तो फटाफट उसके लिए चॉकलेट लेकर के हम पहुंच गए उससे मिलने, और यहां पर ये खुले बालों में ताड़िका जैसे आती है हमको रिसीव। हम लोग क्लास 5 से दोस्त है। 2014 में जब हम बक्सर गए तो गिफ्ट के तौर में ये छोटी सी लड़की मेरे को मिली थी, और ये बहुत ही अच्छी दोस्त है मेरी, और 2014 से लेकर अब तक दोस्ती है। मैं झेल रही हूँ उसको कैसे भी करके, उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों ये। 2 साल से प्लान करते करते आज फाइनली हम बक्सर आ ही गए, और इसे घर पहुंचते ही हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं सेल्फी लेने के लिए, क्योंकि ये हमारा सबसे मन पसंदीदा काम है सेल्फी लेना, रील्स बनाना। और जहाँ की ये ज्यादा सुंदर लग रही थी, मेरे को जलन हो रहा था दोस्तों, ये ज्यादा सुंदर लग रही है हमसे, और यहाँ पे हम इसको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात ये था कि हम इसे ज्यादा सुंदर लग रहे थे दोस्तों। आप ही बताइए हम इसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। मेरी खूबसूरती से इतना जलने लगी कि इसके जलने के कारण हमारा चॉकलेट मेल्ट हो गया। तो चॉकलेट को अच्छे तरीके से चम्मच से चाट चाट के हम लोग खाए, और यहाँ पे हम लोग रैंडम पिक्चर क्लिक कर रहे थे, जिसके लिए हम नौटंकी कर रहे थे कि कैसे हम लोग रैंडम पिक्चर निकाल सकते हैं। तो मुंडी को इधर उधर कर रहे थे हम लोग। दोस्त को सॉन्ग का लिरिक्स अच्छे तरीके से बताकर हम देखते हैं यहाँ पे कि ये पैसा चुरा रही है हमको आइसक्रीम खिलाने के लिए। हाय रे मेरी दोस्त, कितना प्यार करती है मेरे से। तो यहाँ पे अपनी ये छोटी सी बुद्धि का प्रयोग करके यहाँ पे 2 आइसक्रीम निकाल लेती है, और आइसक्रीम बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसमें पता नहीं क्या चॉकलेट होता है, क्या होता है, मुंह में पूरा किनर किनर कर रहा था दोस्त। हम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि इतनी वीडियो बना ली थी कि हमको ये वीडियो एडिट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। खैर कोई बात नहीं, अब हम पता नहीं कब आएंगे इससे मिलने। तो आप लोगों को टाटा बाय बाय, और उसको भी टाटा बाय बाय। चल भाग।